तस्वीरों में दिख रही महिला और महिला थामे है ई रिक्शा का हैंडल। सवाल इस बात का है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा खास क्या है। खास तो देखने में पहली नजर में कुछ नहीं नजर आता, लेकिन बहुत कुछ ऐसा खास है इसमें जो आपको जगा सकता है, आपके अंदर जोश भर सकता है और आपको भी बता सकता है कि आप भी बहुत कुछ करने का मादा रखते हैं। इस महिला ने ई रिक्शा का हैंडल थामकर प्रशासन के गाल पर ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है कि प्रशासन की नींद खुल गई है। सरकार हैरान है और जनप्रतिनिधि ये सोच सोचकर माथा पीट रहे हैं कि पहले उनकी नजर इस महिला पर क्यों नहीं गई। ये महिला मऊ की रहने वाली है, ई रिक्शा चलाकर अपने बीमार पति का इलाज करवा रही है, लेकिन इसका ई रिक्शा चलाना कुछ लोगों को खटक रहा है। वो कुछ लोग कोई और नहीं, इसके सगे रिश्तेदार हैं जो इस महिला शक्ति पर निशाना साध रहे हैं, इसका मजाक बना रहे हैं। जब इस महिला से हमने बात करने की कोशिश की तो इसने जो अपनी आपबीती बताई उसे सुनकर हमारी भी आंखें नम हो गई, लेकिन नम होती आंखों के साथ ही हमें यह भी उम्मीद मिली कि हम भी अगर ठान लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तरफ चर्चा ज्योति मौर्य की है, जो SDM बनी तो पति को ही साइड कर दिया और लारे लप्पे लड़ाने लगी, और एक ये महिला है जो गरीबी में गुजारा कर रही है, बीमार पति को छोड़ने की बजाय उसके इलाज के लिए ई रिक्शा चला रही है और अपने 5 बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। मऊ में काशीराम आवासीय योजना में रहने वाली ये महिला काफी दिनों से परेशान थी, कई जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाया लेकिन उनकी आंख नहीं खुली, उनकी नींद नहीं खुली, उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। जो छाती पीट पीट कर चुनावी दौर में मंच से कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे, आप हमारे पास आइए, ये गरीब जब उनके पास गई तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। रिश्तेदारों से मदद मांगी तो उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए। आसपास के लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने भी मजबूरी जाहिर कर दी कि महंगाई में भैया पैसा ही कहां बचता है जो हम तुम्हारी मदद करें। ऐसे में इस महिला ने एक ई रिक्शा लोन पर खरीदा और निकल गई सड़कों पर कमाई करने के लिए। आज ये महीने भर का जो कमाती हैं उससे अपने पति का इलाज करवाती हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं और अपने दम पर इज्जत की जिंदगी जी रही हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदारों को इनकी ये इज्जत रास नहीं आ रही। उनका कहना है कि ये बिगड़ गई हैं, इनका करेक्टर खराब हो गया है और ये आदमियों के बीच में रिक्शा चलाती हैं। भैया आप पर बीती नहीं है इसलिए सवाल उठा रहे हो। जिस दिन आपके ऊपर ऐसी मुसीबत टूटेगी ना, तब आपको एहसास होगा कि ये किस दौर से गुजर रही है। इस महिला ने जनप्रतिनिधि, सरकार, सरकारी योजनाओं को ऐसा ताड़ा है अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से कि उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। अब कोई जनप्रतिनिधि आकर इनके पास फोटो भी नहीं खिंचवा सकता, वोट भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर वोट मांगने आया तो ये महिला करारा जवाब देगी और कहेगी कि जब मुझे जरूरत थी आपकी तब आप कहां थे। ये महिला मऊ में इन दिनों चर्चा का विषय है और पूरे प्रदेश में इनकी चर्चाएं हो रही हैं। इनका रिक्शा जो सड़क पर निकलता है, जो लोग देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं, कोई सेल्फी लेता है, कोई तारीफ करता है और कोई मदद का आश्वासन देता है। इनकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए, ई रिक्शा लेकर ये बैठी हुई हैं, सड़क पर खड़ी हुई हैं और साथ में सवारियां खड़ी हुई हैं जो बातचीत कर रही हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस महिला का नाम क्या है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। इस महिला का नाम उर्मिला राजभर है, जो मऊ में रहती हैं, और राजभर की झंडा बरदारी करने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी इनका ख्याल नहीं आया। इन्होंने कई बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन राजभर सिर्फ मंच पर खड़े होकर विरोधियों को खोजते रहे और अपने बेटों को सेट करने की रणनीति बनाते रहे। उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, और सिर्फ राजभर ही क्यों, प्रदेश में और भी तो जनप्रतिनिधि हैं, मऊ के सांसद हैं, मऊ से विधायक भी होंगे, इसकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक होंगे, किसी ने सुध नहीं ली। इस महिला को जब लगा कि कोई मदद नहीं करेगा तो लोन पर रिक्शा निकाला और सड़क पर निकल गई अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, कमाई करने के लिए। हर रोज ये महिला 500-600 रुपये कमाती हैं, उससे अपने पति का इलाज भी करवाती हैं और इज्जत की जिंदगी जी रही हैं और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। इनका सपना है कि बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए ताकि बुढ़ापा हमारा अच्छे से कटे। अभी अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नम आंखों से कहती हैं कि रिश्तेदार जब मजाक बनाते हैं तो बुरा लगता है। लेकिन उन रिश्तेदारों को मैं कहना चाहूंगा कि भगवान न करे ऐसा दौर आपको देखना पड़े, और जब ऐसा दौर आपको देखना पड़े तो जब आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे मदद के लिए तो शायद आपके सामने उर्मिला खड़ी हो और यह आपको बताए कि आपने हमारा मजाक बनाया था, आज आपका बन सकता है। इसलिए बड़ी बात कहने से पहले सोचना जरूर चाहिए उन रिश्तेदारों को जो इस महिला की ताकत, इसकी हिम्मत, इसके हौसलों को हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं। क्या उर्मिला की मदद जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए? क्या उर्मिला की जो महिला शक्ति है उस महिला शक्ति को सलाम करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।